पेन से ऑलरेडी लिंक है, तो आपको यहाँ पर पेन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो 1000 रुपये की जो पेनल्टी पड़ रही वो भी आपकी यहाँ पर बच जाएगी। और इसका जा रहा है कि आपका जो है पेन और आधार लिंक करने की जो प्रक्रिया है वो संबंधित डिपार्टमेंट के पास भेज बोला जा रहा है कि पेन नॉट लिंक विद आधार, तो लिंक आधार पर आपको यहाँ पर इस वाली लिंक पर क्लिक करना है। पेन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है, लिंक जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पेन को आधार से लिंक करने का सही प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिंक आधार है, इस वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना है। वीडियो आपको पूरी देखनी, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। बहुत सारे लोग पेन को जो है गलत प्रोसेस से लिंक करते हैं, जिसके चलते उनका पेन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो पाता है और उनकी जो फीस होती है वो भी कट जाती है, जिसके बावजूद भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि उनका पेन आधार से लिंक नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल और सही प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सिंपली पेन नंबर डालना है और आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है, फिर यहाँ पर वैलिड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वैलिड पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा कि यूअर पेन ऑलरेडी लिंक विद योर आधार नंबर। तो यहाँ पर ये हमसे बोला जा रहा है कि आपका जो है आधार जो है पेन से ऑलरेडी लिंक है, तो आपको यहाँ पर पेन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो 1000 रुपये की जो पेनल्टी पड़ रही वो भी आपकी यहाँ पर बच जाएगी, और इसके बाद आपको कोई प्रोसेस भी फॉलो नहीं करना है। तो यदि आपका पेन आधार से लिंक नहीं होगा तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पेन नंबर और एक आधार नंबर दूसरा यहाँ पर डाला है, यहाँ से हम वैलिड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि आपका जो पेन है वो आधार से लिंक नहीं है, और आपको जो पेन से आधार लिंक करने का जो प्रोसेस है वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू विद पे थ्रू ई पेटेक्स पर आपको क्लिक करना रहता है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दूसरे पेज पर लाया जाएगा, तो यहाँ पर पेन नंबर आपको डालना है, यहाँ पर कंफर्म पेन नंबर कर देना है, यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आपका आधार और पेन से जो आधार नंबर लिंक है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहें तो आप कोई दूसरा अन्य मोबाइल नंबर यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पेन और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक OTP डालनी होगी, OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना रहता है। तो OTP जो भी आई है यहाँ पर डाल दी गई है। अगर आपके केस में OTP नहीं आती तो रिसेंट OTP का भी आपको ऑप्शंस मिल जाता है। तो हमारे पास OTP आ गई, डाल के हम यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा पेन है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है, यहाँ पर आपको पेन नंबर मिल जाता है, यहाँ पर जो आपके पेन पर जो आपका नाम है वो यहाँ पर कुछ अक्षर आपको मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना और आपका नाम यहाँ पर जो कुछ अक्षर दिख रहे हैं इसे आपको ये वेरीफाई करना रहता है कि ये मेरा ही पेन है। तो इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पेमेंट वाले पेज पर आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपकी ईपेटेक्स लिखा है, नीचे आपका पेन नंबर लिखा रहता है, तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकम टैक्स लिखा हुआ है, तो आपको यहीं पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप दूसरे पेज पर आएंगे, यहाँ पर न्यू पेमेंट लिखा है, नीचे पेन नंबर लिखा है, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो जो भी ऊपर आपको लेटेस्ट में दिख रहा है वो ऊपर वाला आपको असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे अदर रिसिप्ट 500 पर आपको क्लिक करना रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फी ऑफ डिले इन पेन लिंकिंग विद आधार, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आपको जैसे आप यहां पर टिक करेंगे कंटिन्यू का एक आपको ऑप्शंस मिल जाता है, यहीं पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि पेन नंबर आपका यहां पर लिखा रहता है, जो भी चार्जेस हैं पेन को आधार से लिंक करने का 1000 रुपी आपको यहां पर दिख जाएंगे। तो यहां पर 1000 दिखने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप पेमेंट वाले पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग से करने को ऑप्शन दिया जाए, डेबिट कार्ड पे बैंक काउंटर RTGS NFT के द्वारा है। यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेना है। तो मान के चलिए हम HDFC पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर रहे हैं।
तो पेमेंट गेटवे पर आप HDFC सिलेक्ट कर लिया है हमने, फिर यहाँ पर कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पेन नंबर लिखा रहता है, यहाँ पर जो भी चार्जेस हैं वो आपको बनकर आ जाते हैं। यहाँ पर पे नाउ एंड पे लेटर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो अभी हमको पे करना है तो पे नाउ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे एक पॉपअप मिलेगा, यहाँ पर जो आपको एग्री करना रहता है, फिर यहाँ पर सबमिट टू बैंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो पेमेंट गेटवे पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको UPI से पेमेंट करने को ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पर कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर UPI पर हम क्लिक कर देंगे तो जितने भी UPI ऐप हैं यहाँ पर आ जाते हैं, लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजान और व्हाट्सएप वगैरह, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे केस में गूगल पे यहाँ पर है, तो गूगल पे पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप फ़ोन पे से करना चाहें तो फ़ोन पे पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो गूगल पे पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको UPI ID डालना है, तो आपका जो बार कोड होता है उसके नीचे आप देखेंगे आपको UPI ID मिल जाती है, वही यहाँ पर डाल के यहाँ से वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने UPI ID डाल दी, फिर यहाँ से हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो UPI वेरीफाई हो गई, फिर प्रोसीड पर हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि आप अपना UPI यानी गूगल पे ओपन करिए, पिन डालिए और पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेस हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है। यहाँ पर चालान जो रिसिप्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। यहाँ पर पेमेंट डिटेल पर आपको यहाँ पर ये वाली रिसिप्ट भी डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मेक एनदर पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। मेक एनदर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर होम पेज पर क्लिक कर देना है। तो इस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर पेन नंबर आधार नंबर डाल के यहाँ पर आप व्यू लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। पेन नंबर आधार नंबर डालने के बाद व्यू लिंक स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि पेन नॉट लिंक विद आधार, तो लिंक आधार पर आपको यहाँ पर इस वाली लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पेन नंबर आधार नंबर डाल दिया, फिर यहाँ से वैलिड पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि योर पेमेंट डिटेल वेरीफाइड, प्लीज क्लिक टू कंटिन्यू टू प्रोसेस टू सबमिशन पेन आधार लिंक रिक्वेस्ट। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पेमेंट करने के बाद अपना प्रोसेस वहीं पर रोक देते हैं, उनको लगता है कि हम पेमेंट कर दिया, हमारा जो है पेन आधार से लिंक हो जाएगा। तो मेन चीज़ जो वीडियो का जो टॉपिक है जिस लिए हमने वीडियो बनाई, जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं वीडियो बनाने की, हमारी वजह यहाँ पर यही है कि आप लोग पूरा प्रोसेस जाने और आपका जो पेमेंट है आपके पैसे यहाँ पर ख़राब ना हो, फिर इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नेम आस पर आधार, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना, दोनों पर आपको टिक करना, फिर यहाँ पर लिंक आधार पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पेन नंबर आधार नंबर लिखा रहा है, नेम यहाँ पर आपको जो आधार कार्ड पे जिस तरीके से नाम लिखा है यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल के लिंक आधार पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक OTP आएगी, OTP डालने के बाद वैलिड पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने OTP डाल दी है, वैलिड डेट पर हम क्लिक कर देंगे। तो वैलिड पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यूअर आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड वैलिड इन केस रिक्वेस्ट ऑफ 24 आवर्स, लिंक आधार स्टेटस अंदर द क्विक लिंक एंड होम पेज। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपका जो है पेन और आधार लिंक करने की जो प्रक्रिया है वो संबंधित डिपार्टमेंट के पास भेज दी गई है और आपका पेन आधार से लिंक होने में 48 घंटे लग सकते हैं। और लिंक आधार स्टेटस चेक करने के लिए आपको होम पेज पर आना है। यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करने के बाद आप अपना स्टेटस वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो जो भी पूरा प्रोसेस है हमने आपको बता दिया है, आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना व अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का पेन आधार से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके पर हम क्लिक कर देंगे। दोबारा से हम पेन आधार स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पेन नंबर आधार नंबर डाल के व्यू लिंक स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉपर हमारा स्टेटस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो चीज़ अभी दिखाई दी थी वही चीज़ यहाँ पर मैसेज आपको मिल रहा है। 48 घंटे के बाद आप चेक करेंगे और आपका पेन आधार से लिंक हो जाएगा। तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में हमने बता दिया। वीडियो को फॉलो करके आप अपना पेन कार्ड घर बैठे लिंक कर सकते हैं। वीडियो में इतना, वीडियो संबंधित कोई भी अगर आपके डाउट हैं, कोई भी संदेह है तो कमेंट बॉक्स आप करिए, हमारी टीम के द्वारा रिसेंटली आपको जवाब दिया जाता है। तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।